नमस्कार दर्शक बंधु, मित्यु रेसिपी को आपन को स्वागत। मुँ आज करी कलरा आलु सुप्त। तापाई आवश्यक उपकरण है मुझे रिफाइन तेल आउ किसी धनिया पत्र कंचा लंका आउ आलु एमती काटी चोपा छड़ेगी आउ कलरा दुईटा आउ पोस्त आउ गोटा लंका दुईटा मगज काजू आउ तापाई स्वाद अनुसार लुण लंका गुंड फुटण जीरा हलदी गुंड आठ नहीं धनिया जीरा पाउडर देखूँ तो प्रस्तुत करवा पैन गरम कर देखु ये पोस्त लंका पानी रे बतुरी से भिजी आसलानी एक् ग्राइंडिंग कर देखु एमती ग्राइंडिंग करदेली एमती पूरा पेस्ट करदे तेल गरम हो आसलानी मुझे आलु को भाजी नौ किसी लुण पक उदी लुण आउ कि हलदी गुंड हाफ स्पून लुण आउ हलदी गुंड हाफ स्पून देखिए भल भाव भाजने देखो एमती किसी आसलानी आई समय रेड कलर आसे छाने ने देखो ये लाल पड़ी आसलानी मुझे बाहर करई तेल मुझे कलरा को पक भाजी नौ लुण भी देखिए गोटे चाम हलदी गुंड गोटे देखु एमती लाल करदे तो भल भाव भाजी ने होगला मुझे बाहर काढ़ी नौ देखु से प्यान ले मो चारि चामच तेल दूसरी तेल गरम हो पांच फुटण पकाच गोटे चमच जीरा गोटे चम्मच आज मसला को पके दूचे देखते एमती हो पानी हाफ कप देपर आम पकईद मसला गुंड लुण किसी गोटे स्पून उची पकाच हलदी हाफ चमच किसी पकेबे जीरा धनिया पाउडर दुई चमच लंका गोटे चमच तक एमती गोल ने जो कंचा लंका रेड चिल्ली लंका रखी थी ताको पकईदे किसी समय मसला हाँपाई तक एमती घोड़े दे देखते तो पा मरिया आपति गोलाउे जमी तले न लग देखु है मसला मुझे कलरा आलू को पकई दूँ जो धनिया रखी थी धनिया पकई दे तापर ताको मुझे गोल नौ एमती किसी समय गोल ने
ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବେ କଲରା ମସଲା ଯେମିତି ମିଶିଯିବ ଆଳୁ ସହିତ ମିଶିଯିବ ମସଲା ସବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଧରେ ଗରମ ପାଣି ଉଷୁମ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆଧରେ 2 କପ୍ ଉଷୁମ ପାଣି ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 2 କପ୍ ଉଷୁମ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, ତାକୁ ଏମିତି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଲରା ସୁପ୍ ତ ଆମର ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି ହିଁ ତାକୁ ରଖିବେ, ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା କଲରା ଆଳୁ ସୁପ୍ ତ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଘରେ ତିଆରି କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣ ଏହାକୁ ଡେଲି ବି ଖାଇଲେ କିଛି ବି ଦେହ ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷତି ନୁହଁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ନମସ୍କାର।